तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका का हल यहाँ पर तो कक्षा सातवीं विषय अंग्रेजी के पार्ट पाँच का जो क्राउडेड ट्रेन का नाम है इसका यहाँ पर पार्ट का नाम तो स्कूल से प्राप्त है यहाँ पर पूरा सोल्यूशन तो डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको लिखने में यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए यहाँ पर तो आपका पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए पार्ट का नाम आपका दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तो लेसन पहले के बाद आपका जो पार्ट निकल के आ रहा है वो पाँच निकल के आ रहा है यहाँ पर तो पाँच ही आपको देखना है यहाँ पर तो पाँच पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है भेयर डेड विनोद को तो यहाँ पर विनोद कहाँ गया था तो आपका यहाँ इसका आंसर निकल के आ रहा है भोपाल तो आपको यहाँ पर भोपाल ही लिख देना है यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिखा है यहाँ पर भेर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल यानी विनोद ने कहाँ घूमने का मतलब यहाँ पर नेशन लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे ए सी क्लासेस मतलब जिन बॉक्स जिन डिब्बों में ए लगा है उसमें घूमने का उसने निर्णय लिया अगला क्वेश्चन दिया है हाउ वॉज द यंग मैंस कोट तो यहाँ पर कैसा था उसका कोट तो अच्छा था यहाँ पर नाइस हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखना है तो एक या दो वाक्यों में लिख लिया अच्छे से क्या लिखा है इसमें हाउ डिड द अदर पैसेंजर्स अपियर इन कोच ठीक है किस प्रकार से दिखाए रहे थे तो दे हैड अ वैलिड टिकट्स ठीक है इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे थे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भेयर डेड बिनोद नोटिस भाट डेड बिनोद नोटिस यानी विनोद ने क्या नोटिस किया यहाँ पर तो देखेंगे द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड उसने देखा कि जो ट्रेन थी ना वो बहुत अधिक भरी हुई थी उसमें ज़्यादा भीड़ थी अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या देख रहा है छठ यहाँ पर दिया गया सिक्स तो छठ क्वेश्चन दिया गया वैन डेड द टी टी ई अपीयर ठीक है तो यहाँ पर मतलब जो टी टी ई कब दिखाई दिया तो जस्ट आफ्टर एन हाफ ठीक है हाफ एन आवर तो मतलब कम से कम लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पर टी, -टी दिखाई दिया अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया तीन से चार वाक्य में आपको लिखना है तो भाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन ए सी कोच ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर देखना है आपको तो देख लीजिए अच्छे से ये लिखा है हमारा ठीक है यहाँ से अच्छे से पूरा आपको लिख लेना है और तो फिर इसके बाद आपको अपनी कॉपी में से ऐसा ही लिख देना है ठीक है यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना है इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला हमारा यहाँ पर आ गया है असाइनमेंट ठीक है तो पार्ट दो का यहाँ पर असाइनमेंट नंबर सेकंड है आपका पार्ट पाँच का तो इसको देखते हैं ठीक है असाइनमेंट लिखा होगा नीचे आप देख सकते हैं पीछे तो ये आपको एक पेज दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से इसको भरना है तो क्या लिखा है हाउ वाज द ट्रेन तो ट्रेन कैसी थी तो ओवर क्राउडेड थी मतलब भीड़ भाड़ भरी हुई थी ठीक थी, है ज़्यादा अगला क्वेश्चन देखते हैं हु जम्पेड इन टू द कोच जस्ट एज द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट मतलब जब ट्रेन चालू होने वाली थी तो उसमें कौन कूदा तो यहाँ पर विनोद हो जाएगा इसका आंसर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा एन को क्या है यहाँ पर यूज द ब्रेफिक्स आर ई और अन टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स ठीक है तो यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर ये एल बना हुआ है टोटल ठीक है अच्छे से लिख देना है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर ये आर ई -E लगा के ये शब्द जोड़ते जाना है ठीक है एक एक से जोड़ते जाना है और इनके सामने लिखते चलना है और यहाँ पर लिखा है अगेन तो सबके बाद आपको इन्हीं वर्ड के बाद अगेन लगा देना है जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अच्छे से देख लीजिए इनको किस प्रकार से लिखना है ठीक है इस प्रकार से आपको लिख देना है ऊपर इसके बाद हमें देखना है अगला वाला ठीक है तो अगले वाले में आपको क्या भरना है इसको देख लेते हैं तो सेकंड वाले में अन लगाना हमें नीचे वाले में तो सबके साथ पहले इसके साथ अन लगा हुआ है ठीक है यहाँ ऊपर तो लिखा ही है अनहैप्पी है इसमें तो कुछ भरना ही नहीं इसमें लगाएंगे ऑफिशियल में अन लगाएंगे कम्फर्टेबल में अन लगाएँगे और एक्सपेक्टेड में अन लगाएंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं इनको इस प्रकार से आपको भरना है तो इसका हो जाएगा अनऑफिशियल अनकम्फर्टेबल अनएक्सपेक्टेड इसके बाद नॉट ऑफिशियल नॉट कम्फर्टेड कम्फर्टेबल और नॉट एक्सपेक्टेड इनके आंसर हो जाएंगे यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद